नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हुए हैं पैकर्स मार्स चेरी फार्म। ये चेरी फार्म नवंबर, दिसंबर और जनवरी में पब्लिक के लिए ओपन होता है। इसकी फीस $8 पर पर्सन और बच्चों का $5 पर किड। ये फार्म सिटी से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे है, हमारे घर से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर, पर काफ़ी अच्छी जगह है, जैसे कि आप आगे की वीडियो में देखेंगे इसको। एंड समीश ने भी काफ़ी इन्जॉय करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितने लोगों की भीड़ है, वो लंबी लाइन लगी हुई है अंदर घुसने के लिए, वो पीछे। ये स्ट्रॉबेरी और चेरी मैं आपको अंदर दिखाई दूंगा। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ चेरी दिखाने। समीश, से हेलो टू द कैमरा। Say hello properly, baby. Hello. What are you doing? Are you picking strawberries? No. Are we gonna go inside there? Okay. ये सारे स्ट्रॉबेरी फार्म्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी तो दिख नहीं रही है, लगता है सारी स्ट्रॉबेरीज तोड़ ली गई हैं। और मुझे नहीं पता लोग क्या तोड़ने पे लगे हैं, शायद आधी कच्ची आधी पक्की स्ट्रॉबेरीज तोड़ने पे लगे हुए हैं, लगता तो ऐसे ही, पर लोग फिर भी देख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट क्यारियों में लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ स्ट्रॉबेरी मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ही वी विल गो फार अवे। मूव इफ यू मूव मिस्टर, इट्स अ बटरफ्लाई मिस्टर, बटरफ्लाई। ओके, वॉक, डैडी विल मेक द बटरफ्लाई गो अवे। ओके, कीप वॉकिंग समीश। यस, बी विल गो अवे एज वेल इफ यू वॉक। Keep moving. I'm gonna count till 10. 1, 2. Why? Samish, move, kare bacha. Okay, we'll go there. If you move fast enough, we'll go there. Samish ko apparently wahan par jana hai, wahan andar. You did it. Good boy. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं राइट और लेफ्ट, ये पीचेस और नेक्ट्रींस के पेड़ हैं। इनमें पीचेस और नेक्ट्रीन तो मुझे कहीं दिखी नहीं है, या तो फार्मर ने पहले ही निकाल ली है। पर चलिए देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। रेड चेरी समीश और व्हाइट चेरीज, समीश रेड और व्हाइट, लुक बोथ साइज रेड और व्हाइट। अभी आपको दिखाता हूँ व्हाइट चेरी फार्म, दूसरी साइड पे रेड चेरी फार्म्स है। देखते हैं व्हाइट चेरी देखने में कैसी होती है और खाने में कैसी होती है। ये सब वाइट चेरी पेड़ हैं, पर वाइट चेरी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर बहुत बड़ा जाला भी लगा है ताकि कोई बर्ड्स पंछी ना खाए इनको। कीप वॉकिंग। ये चेरी के पेड़ हैं, नीचे इतनी सारी चेरियां गिरी हुई है, ऐसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है। मैं आपको रियल में दिखा रहा हूँ। नो नो, वी हैव टू गेट इट फ्रॉम हियर, लुक अप। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बैरिकेड लगा हुआ है, तो ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो यहाँ से सुपरमार्केट्स या नॉर्मल फ्रूट शॉप्स पे ये सब सप्लाई होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर हमें कुछ सेब, नेक्टरीन्स, पीचेस देखने को मिले। वैसे तो ये सारे ट्रीज खाली ही लग रहे हैं, शायद ये फार्मर ने पहले ही तोड़ लिए। पर देखिए आप इस जगह की खूबसूरती देखिए और देखिए कि इन्होंने जो डिस्टेंस कैरियो के बीच में मेंटेन रखा है वो कैसे रखा हुआ है मेंटेन। ये काफ़ी अच्छा डिस्टेंस मेंटेन रखा हुआ है इन लोगों ने कैरियो के बीच, ताकि हर एक कैरी में धूप, पानी और सब कुछ बराबर ही रहे, कहीं कम ज़्यादा ना हो। कम ज़्यादा होने से ऑफकोर्स फूड स्पॉइल होगा। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन है जो आपने स्ट्रॉबेरी से चेरीज पिक करी है उनको पे करने के लिए। घुसने की लाइन मैंने आपको पहले दिखा दी थी कि जो तीन लंबी थी। लोग यहाँ पर भी खड़े होकर वेट करते हैं। हमने गाड़ी वहाँ दूर पार्क करी है इस शेड के दूसरी साइड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लोग अभी भी इन स्ट्रॉबेरी क्यारी में स्ट्रॉबेरी ढूंढने पर लगे हुए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और बना सकूँ। तो अब हम निकलते हैं घर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।